मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन को अब मंत्रियों के नाम तय करने हैं। इसको लेकर बड़ी चुनौती सामने है। वैसे तो सारे मंत्रियों के नाम से ही फाइनल होंगे, लेकिन प्रस्तावित नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों का दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे को लेकर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बार मंत्रियों का चयन और विभागों का बंटवारा बेहद चुनौती भरा काम, एक दो दिन में ये नाम चिन्हित करने की कोशिश होगी। यहाँ पर सभी की राय के बाद संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री दो तीन दिन में दिल्ली भी जा सकते हैं। बता दें कि इस चुनाव में प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह जैसे कई बड़े नेता भी विधानसभा के सदस्य बने हैं। अब इन्हें और इनके समर्थक विधायकों को नई जिम्मेदारी देने को लेकर हर स्तर पर मत्थापच्ची चल रही है। संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आदि के बीच भी मंथन हो रहा है। दावेदार भी इनसे मिल रहे हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि मंत्रियों के नाम दिल्ली से ही तय होंगे। कुछ लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि अधिमास की वजह से अभी नए मंत्रियों की शपथ नहीं होगी, लेकिन इतने दिन की प्रतीक्षा कठिन होगी, ऐसे में जल्दी नाम तय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव बुधवार रात राष्ट्रीय महासचिव और विधायक कैलाश विजयवर्गीय से मिलने भोपाल स्थित उनके आवास पहुंचे। दोनों की डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिंह तोमर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी उनके आवास पर जाकर मिले। और अब लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के बाद जैसी निराशा शिवराज सिंह को यहां पर मुख्यमंत्री पद ना मिलने से हुई, कहीं ना कहीं अब उनको यहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल में वो जगह स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ और भी कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको विधानसभा में यहाँ पर उतारा गया और वो यहाँ पर अब विधायक चुनकर आ चुके हैं और विधानसभा में सदस्य हैं। और अब यहाँ पर सोचना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से किसको कितनी जिम्मेदारी मिलती है, कहीं बड़े नेता नाराज होकर बगावत पर ना आ जाएं।